हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ी जो खबर है वो डेली आ रही है। तो दोस्तों आज का भी कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर बहुत ही बड़ा खबर है। कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में यहाँ पर विवरण बताया गया है। तो क्या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताया गया है ये मैं आपको बता दूं, और क्या न्यूज़ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं तो आपके लिए भी एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। और दोस्तों साथ में बताएंगे कि टिकट बुकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सारी जानकारी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर रहे थे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कुछ खामियां के बारे में, यानी कि जो उसके फैक्ट हैं। तो कुशीनगर देश के प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जनपद में मेडिकल कॉलेज का भी आधारशिला जो रखेंगे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है वो देश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो लखनऊ में है और वाराणसी में है, ठीक है, तो ये सब हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय जो है वो इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो 21 किलोमीटर लंबी है, यानी कि जो इसके आसपास में जितने भी बाउंड्री वॉल बनाए गए उसकी कुल उसकी जो जुड़ाई हुई है तो वो जो निकला है वो 21 किलोमीटर निकला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में कुशीनगर निर्मित भवनों में प्रदेश सरकार ने भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की सौंप दी है, दिखाई है। कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 3200 मीटर लंबा रनवे और 21 किलोमीटर बाउंड्री वाल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 किलोमीटर से थोड़ा 200 मीटर ज़्यादा जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रहे। तो दोस्तों चलिए इस सभी बातों को छोड़ देते हैं और बात करते हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए क्या टिकट बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसका कोड क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जो है वो अभी किसी भी प्रकार का टिकट बुक नहीं हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बता रहे थे कि टिकट बुक कब होगा, आप बताओ बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पर जो है वो पहली फ्लाइट 20 तारीख को आएगी, और उसके आगे का जो फ्लाइट के बारे में अभी कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उसके बाद से शेड्यूल बनेगा कि किस देश से कब फ्लाइट आएगी, कहाँ जाएगी, उसके बाद से जो है टिकट बुक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी टिकट बुक नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसका कोड क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है, अभी जो कोड है इसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी लोग सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जैसे 20 तारीख को पहली फ्लाइट आती है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो आप लोग भी सीधे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। इसके बाद से जितने भी अरबियन कंट्री है सभी कुशीनगर एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। हालांकि जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए जो पंडाल की व्यवस्था है वो हो रही है, क्योंकि 20 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे इसका उद्घाटन करने के लिए। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट।